को स्टार्ट करते सो लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. ठीक है ना, 10 तक आपका हो चुका था. सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर. लेट्स टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 11 सर, आ रही आवाज. ऑल फॉर x एंड y. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 सर. ऑल फॉर x एट द एंड ऑफ ईयर 2002 वाला. हाँ अच्छा, वो दिया हुआ है. 11th पे लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर 2002 राम वॉज हाफ ओल्ड एज इज ग्रैंडपा. ठीक है ना, तो इफ आई से राम एंड ग्रैंडपा की बात कर रहे हैं तो राम वॉज एक्स, ग्रैंडपा वॉज 2x. ठीक है ना, द सम ऑफ द एजेस, द सम ऑफ द इयर्स इन व्हिच दे वर बॉर्न इज 3854. अच्छा 3854. नाउ एज ऑफ राम एट द एंड ऑफ ईयर 2003 विल बी हाउ मच. तो अभी ये बात हो रही है 2002 की. तो ये जो बॉर्न हुआ होगा, बर्थ डेट ऑफ राम, कैन आई से दैट वुड बी 2002 माइनस एक्स एंड बर्थ डेट ऑफ हिज ग्रैंडपा वुड बी 2002 माइनस 2x. यस, उसके ग्रैंडपा की जो एज होगी वो 2000, उसके ग्रैंडपा की जो बर्थ डेट होगी वो 2000 माइनस 2x होगी, उसकी जो बर्थ डेट होगी वो 2000 माइनस एक्स होगी, 2002 माइनस एक्स. अब दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 4004 माइनस 3x हो जाएगी. और ये कितनी दी हुई है आपको? 3854 दी है. सो इफ यू डू 150 आ जाएगा 3x का वैल्यू, x का वैल्यू 50 आ जाएगा. सही है ना? इज इट क्लियर? इन द एंड ऑफ 2003 एज ऑफ राम विल बी 51 इयर्स. तो ये अभी करंट एज राम की 50 है और ग्रैंडपा की 100 है. तो अगर 2003 की बात करते हैं तो ये 51 हो जाएगा और ग्रैंडपा 101 हो जाएगा. नेक्स्ट 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14 और 15, 14 और 15 है सर. 11 हो गया, 12 में डाउट है. 12 यस सर, इसको कॉपी कर ले, नीचे ले लो. 12, 14, 15, 16. अच्छा चलो ले लेता हूँ. 12, 14, 15, 16. ठीक है ना, 12 देख लेते. क्या लिखा है? द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अब देखो बहुत आसान दिया हुआ है. x प्लस वाई माइनस 8/2 जो है वो मान लेते हैं पहले इसके बराबर है. तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y में एक इक्वेशन निकाल लोगे. नेक्स्ट क्या करना, x प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11. इन दोनों को यूज करके x और y में दूसरी इक्वेशन निकाल लेना. टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, कर लेना. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन. मैंने फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड लिया. कोई बात नहीं बेटा, तीनों का यूज करना है. ठीक है ना, सिर्फ आपको ध्यान किस चीज का रखना है? यस सर, तीनों का यूज करना है. ठीक है ना, नेक्स्ट 14 देख लेते हैं. यस बेटा. सर इसमें k अज्यूम करके ऐसा कुछ नहीं करेंगे? तीन वेरिएबल हो जाएगा, फालतू में तीन क्यों करना, दो में काम हो रहा है. यस सर, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन भी कर सकते हो. ठीक है ना, पर k की वैल्यू हम जान के क्या कर लेंगे, पूछा थोड़ी है किसके बराबर है ये, तीनों इक्वल होगा और ये किसके बराबर होगा. ठीक है ना. यस सर. नेक्स्ट 14 में क्या लिखा है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 630, एचसीएफ इज 9, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153, व्हाट इज द डिफरेंस. अच्छा तो देखो मुझे क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स है मान लो एक्स और वाई, उनका सम कितना है? 153 है. तो पता क्या चला, एक्स प्लस वाई इज 153. उनका एच सी एफ कितना है पता है आपको? एच सी एफ 9 है और एल सी एम कितना है? 630 है. तो मुझे एक चीज़ हमेशा पता होती है. क्या पता होती है? मैंने आपको ये बताई थी जब आपको मैं एडवांस क्लास में बता रहा था रियल नंबर्स नंबर सिस्टम का, तो बताया था कि एच सी एफ इंटू एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इज एच सी एफ ऑफ इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. भाई ए और बी का अगर मैं एच सी एफ लिखूँ और उनका एल सी एम लिखूँ वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाएगा. तो x इंटू वाई क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे से? 630 इंटू 9 आ गया, बोल सकता हूँ मैं. तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, यहाँ से मैंने कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लिया कि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे पता है, सम पता है. अब जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो यही तो लॉजिक लगाते हैं, दो नंबर्स का सम पता होता है, प्रोडक्ट पता होता है, दो नंबर्स ढूंढने होते हैं. तो कैसे ढूंढते हो? फैक्टराइज कर लो, 9, 7, 63, 10, 9. 63 और कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा. तो दो नंबर आ जाएंगे आपके पास, खत्म. सही है? तो अगर उसका डिफरेंस पूछा तो बता दोगे आप? 27 डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है ना, तो 14 भी हमने कर लिया. यस बेटा सर, ये डिराइव कैसे हुआ? एचसीएफ कौन
ये आप अगर मिस कर दिया है तो जाके रियल नंबर्स का वीडियो देख लें, ठीक है ना? HCF into LCM is part of the numbers, ठीक है ना? Next. सर डिफरेंस पूछा है तो x, सर डिफरेंस पूछा है तो x माइनस वाई मैं लिख सकता हूँ, और सर एक्स वाई पता है, x प्लस वाई पता है, तो सर मैं वो कर सकता हूँ ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy. बिल्कुल कर सकते, तो मेरा आंसर आ रहा है. बिल्कुल, अरे आएगा ही ना, क्यों नहीं आएगा, मैथ्स है ये, मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं, मैथ्स सारी चीजें कनेक्टेड होती है हमेशा, ठीक है ना? बिल्कुल 100% आंसर को तो आना ही है, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं. यस सर, ठीक है ना? या तो डिफरेंस उसने पूछा है, उसने तो नंबर भी पूछा था, तो हम नंबर्स भी बता देते, समझ रहे हो? चलें आगे. मॉडल में ये वाला इंट है, नंबरिंग मिस्टेक हुई मॉडल में. अब नेक्स्ट देखो, चलो 14th क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा, 15th में डाउट है क्या? 15 भी सेम है, प्रोडक्ट ऑफ टू पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम निकाल लोगे. देखो क्या बोल रहा है वो, देखना बहुत ध्यान से समझना. The product of two numbers is 129 and 60, and their HCF is 36. So, अगर उनका HCF 36 है, so how many pairs of such numbers are there? Numbers can be formed. ऐसे कितने numbers आप बना सकते हो? ठीक है ना? How many numbers you can have? जिनका product 129 60 हो और उनका HCF 36 हो. तो आपको करना क्या है? 129 60 के prime factorization कर दो. हो जाएगा 1296 इंटू 10. HCF 36 होने का मतलब क्या है? दोनों फैक्टर में 36 होना चाहिए. अब 1296 क्या होता है? 36 इंटू 36 का स्क्वायर होता है. तो भाई दोनों के पास 36 तो होना चाहिए. अब बस खेलना किसको है? 10 को खेलना है. 10 कैसे खेलेगा? या तो 10 इस नंबर के साथ आ जाए, ठीक है ना, या इसके साथ 2 आ जाए और इसके साथ 5 हो जाए. सही है? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? यस. तो कितने पॉसिबिलिटी हो गई? दो पॉसिबिलिटी हो गई ना, खत्म. एक नंबर 72 और 180 हो जाए, एक नंबर 360 और 36 हो जाए. इसके अलावा कोई चॉइसेस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है. चले 15 भी हमने आपका कर लिया सॉल्व. अब 16th में आ जाते हैं. 16th में क्या लिखा है? द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर 2100. ए और बी की सैलरी मान लो, एक्स और वाई इनकी सैलरी है, तो एक्स प्लस वाई कितना दिया? 2100 दिया है. दूसरी इक्वेशन में क्या दिया? ए पर्स ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी, बी स्पेंड्स 70% ऑफ हिज सैलरी, इफ द सेविंग्स आर नाउ इन द प्रोपोर्शन 4:3. तो भाई ए ने क्या कर दिया? 80% उड़ा दिया, तो बचा कितना? 20% बचा, तो 20/100x. और दूसरे का सेविंग कितना है? 30%, तो 30/100y. अब ये क्या बोलना चाह रहा है? If their savings are in the ratio 4:3, तो भाई 2 इसको x by 5 भी लिख सकता हूँ, इसको 3y by 10 भी लिख सकता हूँ. तो पता क्या चला? x upon 5 upon 3y by 10, 3y by 10 is in the ratio 4:3. Is it clear? 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये वाला. अच्छा, 5 1 जा 2 जा 2x upon 3y is 4:3. तो एक और कंक्लूजन निकल गया, 6x इज इक्वल टू, या 3 से 3 भी काट देता हूँ, 2 1 2 जा. तो यहाँ से एक और चीज पता चल गई, x 2y के बराबर है. तो एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया. तो x को अगर मैं 2y रिप्लेस करता हूँ तो 3y 2100 हो जाएगा, y 700 हो जाएगा. अब y 700 हो गया बेटा, तो x का वैल्यू 1400 हो जाएगा. सही है ना? a का सैलरी 1400 है, ठीक है. तो 16th भी हमने आपके लिए कर लिया, लिख लो. यस, सबको आवाज आ रही है मेरी? सर यस रोन सर, हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि अगर x प्लस y 2100 है तो 2y प्लस y भी 2100 होगा. बिल्कुल, 3y 2100 होगा. y मैंने वही तो किया, 700 निकाला. 17 19 22 23 24 सर नीचे करो. लास्ट क्वेश्चन है, तो चल लेते हैं 17 में. 17 में क्या लिखा है उसने? डिवाइड 62 इंटू टू पार्ट्स सच दैट, तो एक्स प्लस वाई विल बी 62. और वो क्या बोल रहा है?
such that the fourth part of the first, fourth part, मतलब one fourth of first, and two fifth of the second. One fourth of the first and two fifth of the second are in the ratio 2:3, 1/4x, 2/5y, 2:3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 5x अपॉन 8y इज 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15x इज इक्वल टू 16y, सही है? तो यहाँ से क्या पता चला, 15x, 15y, 62 इंटू 15, 15x को 16y लिख सकते हैं, तो 31y इज इक्वल टू 62 इंटू 15, 31 से 2 कट गया, y का वैल्यू 30 आ गया, y 30 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 32. Is it clear? Sir. Yes, beta. Sir, आपने 15x is equal to 16y लिखा, उसके बाद बताओ ना. बस दो equation आ गए ना बेटा, अब तो तुमको linear equation solve करना है. X plus y 62 है और 15x equal to 35, 16y है. अब क्या करोगे? इस equation को मैंने 15 से multiply कर दिया, तो 15x 15y 62 into 15. अब 15x को 16y यहाँ से replace कर सकता हूँ ना मैं? Yes, आर्य. Yes, वही मैंने रिप्लेस कर दिया, बस खत्म. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट 17 आपका हो चुका है, 19, 22, 23, 24. तो 19 में आ जाते हैं. 19 में क्या लिखा है उसने? द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स इन द क्लास इज बी. अच्छा, बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो बी है, ठीक है भाई. एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज. अच्छा, गर्ल्स अपॉन बॉयज का रेशियो क्या होगा? G होगा. देन B प्लस G क्या होगा? अच्छा, B प्लस G क्या होगा? तो देखो, एक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी चीज होती है, मैं आपको बताऊं. होता क्या है, कोई भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर, मान लो 5, उसके अंदर अगर मैं उसका रेसिप्रोकल ऐड करूं, तो ये दिख रही है वैल्यू 2 से बड़ी है. तो हमेशा क्या होता है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर हम ऐड करते हैं, तो लिख लो, नोट है, मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. इसका एक बहुत ही सॉलिड सा प्रूफ देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना. देखो, मान लो एक नंबर है एक्स और एक नंबर है 1/x. इसकी मुझे कम से कम वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है ना? कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा सोचता हूँ, 2 घटा देता हूँ और 2 बढ़ा देता हूँ, सही है? मैंने इसमें 2 घटा दिया, 2 बढ़ा दिया. इज इट क्लियर? ऐसा क्यों किया, उसका रीजन आपको मिलेगा, बट ये समझ आया, मैंने -2 + 2 किया. फिर मैंने क्या कर दिया, एक्स को लिखा रूट एक्स होल स्क्वायर, 1/x को लिखा 1/√x का होल स्क्वायर. -2 के साथ मैंने 1 को लिख सकते हैं रूट एक्स, 1/√x + 2. तो ऐसा करने से हुआ क्या सर, व्हाट डिड वी गेट फ्रॉम हियर? इससे हुआ क्या, मैंने इसको क्लब किया, √x + b² - 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2. अभी कभी भी अगर कोई क्वांटिटी स्क्वेयर्ड है, स्क्वेयर्ड क्वांटिटी है ना, कुछ भी अंदर लिखा हुआ है, we don't care what it is written, but ये क्या है, square of something. So can I say that square, कम से कम square की value क्या होती है? Zero. Zero से छोटा square हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता. सबसे छोटा square कौन सा हो सकता है? Zero. ठीक है ना? देखो, बहुत serious stuff से हम deal कर रहे हैं, देखो, चुन्नु मुन्नु छोटे बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है ना? काफी serious stuff हम बात कर रहे हैं. कम से कम स्क्वायर क्वांटिटी की वैल्यू 0 होती है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना. इससे छोटा हो सकता है क्या? छोटा हो ही नहीं सकता. 2 से छोटा कैसे होगा? 2 से छोटा होने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होनी पड़ेगी, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है ना? प्रशम, कहाँ घूमने चले गए हो क्या तुम? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर और उसका रेसिप्रोकल कम से कम 2 होगा, और ज्यादा से ज्यादा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, बड़ा तो कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटे से छोटा 2 हो सकता है. और 2 कब होगा?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी विल हैव वैल्यू एज 2, व्हेन 2 विल बी ऑब्टेन, व्हेन इनसाइड स्क्वायर रूट इनसाइड दिस स्क्वायर टर्म यू विल हैव 0. वो कब होगा? जब x की वैल्यू 1 हो जाए. x की वैल्यू 1 हो जाए. या देखो एक चीज समझना, x की वैल्यू 1 हो जाए, समझ आ रही है? मतलब इसको हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे, बहुत आगे तक लेके जाएंगे. देखो ये तो जनरली मैंने बता दिया नंबर और उसके रेसिप्रोकल के लिए बात हुई, ठीक है ना स्वाति? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, देखो बहुत ध्यान से समझो. आप हमें क्या करना है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल की कम से कम वैल्यू बतानी है. तो हमने क्या कर दिया, प्लस टू माइनस टू कर दिया, फिर एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर लिखा, वन अपॉन एक्स को वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर लिखा. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए माइनस टू जो था उसको रूट एक्स और वन अपॉन रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बन गया, विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला. ठीक है ना, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है आपको. और लास्ट में ये टू जो बचा हुआ है वो तो एज इट इज ही रखा हमने. अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कम से कम क्या हो सकता है, जीरो. तो जीरो का स्क्वायर प्लस टू, सो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेंड इज टू. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, बॉयज अपॉन गर्ल्स प्लस गर्ल्स अपॉन बॉयज, सो दीज आर नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. नो उनका कम से कम आंसर क्या होगा, टू होगा. यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन लेस देन वन इक्वल टू वन. सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज बी. अब देखो करेक्ट आंसर बी होगा अगर बॉयज और गर्ल्स इक्वल नहीं है. कब होगा, व्हेन बॉयज इज नॉट इक्वल टू गर्ल्स. लेकिन अगर बॉयज और गर्ल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, बॉयज और गर्ल्स इक्वल, इधर लिखा है क्या कुछ ऐसा, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज बी एंड द रेशियो ऑफ दिस इज जी. देखो यहाँ दिया नहीं है बॉयज और गर्ल्स इक्वल है या नहीं, तो पॉसिबली इक्वल हो भी सकते हैं. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. और सर नहीं 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 बी होगा ना, बी क्योंकि वन सर इक्वल और कटेगा. हाँ सर मुझे वन प्लस वन टू हो जाएगा. नहीं नहीं अरे क्वेश्चन में वन दिया है, मुझे लगा टू दिया है, वन दिया है तो वन तो कभी हो ही नहीं सकता है ना. तो आपका आंसर क्या आएगा, बी ही आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्यों, बॉयज और गर्ल्स अगर इक्वल भी हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन रेशियो कितना देगा, टू आ जाएगा. तो कभी भी सर मैं ये बोल रहा था, ठीक है ना. Yes. Dev Panchal sir, message me that your camera is not. कोई बात नहीं Dev, ठीक है ठीक है. Is it clear? जिन जिन का वीडियो ऑफ है उनको सबको मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, ठीक है ना. जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है, इन्फॉर्म कर दिया उनको कोई इशू नहीं, ठीक है ना सर. यस बेटा सर, कोई और जब x 1 नहीं और कोई और केस ऐसा है जब वो इक्वल टू 2 होगा x plus 1 by x? नहीं होगा ना, कभी हो ही नहीं सकता. स्क्वायर के अंदर जो चीज है वो जीरो कब होगी, जब वो दोनों सेम हो जाए ना. रूट ऑफ x और 1 अपॉन रूट x की वैल्यू इक्वल कब होगी, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x is equal to 1 आ जाएगा, सही है? यस सर. ठीक है, चलें आगे. यस सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना. आईआईटी जेईई में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना. तो ये ध्यान से समझा आप, नंबर और उसका रेसिप्रोकल कम से कम 2 हो सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने देखा तो लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, तो 1 तो होने से रहा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 ही होगा, विच इज 2. नेक्स्ट 20th भी डाउट है क्या सर? मैं 2 मिनट वीडियो ऑफ कर रहा हूं ना सर. हां ठीक है ना. 22 23 24 तो 22 23 और 24. 22 में क्या लिखा है, अ टॉय ट्रेन कवर्स 210 मीटर्स एंड 122 मीटर लॉन्ग टनल इन 25 एंड 17 सेकंड रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, सो लेट्स से लेंथ ऑफ द ट्रेन इज x. भाई ट्रेन का लेंथ x है. अब होता क्या है, टॉय ट्रेन जो है वो 210 मीटर क्रॉस करती है और उसकी लेंथ को, सो दिस इज द डिस्टेंस व्हिच इज बीइंग कवर्ड. कितनी देर में कवर कर रही है, 25 सेकंड्स में. क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, सो दिस वुड गिव यू स्पीड ऑफ द ट्रेन इन केस वन.
Similarly, in case 2, can I say that distance covered would be 122 plus x and the time taken would be 17. Again, distance upon time speed is same. Yes? Dono ko equate kar sakte ho aap? Yes, sir. X nikal jayega. Next, 23 mein aa jate hain. Sir, फिर से समझा ना. Yes, sir. आर्यन देखो क्या है क्वेश्चन में. ट्रेन टनल से जाए या कोई रास्ते को क्रॉस कर ले, उसकी स्पीड तो चेंज होनी नहीं है, तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी. स्पीड होती क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर करेगी भैया, एक पोर्शन अगर कवर करना है, मान लो ये टनल है, ठीक है ना, ट्रेन को टनल कवर करनी है, तो यहाँ से घुसेगी पहले, टनल का लेंथ तो उसने कवर किया ही किया एल, प्लस खुद का लेंथ भी तो कवर करना है ना, तभी तो ट्रेन क्रॉस होगी टनल को, पूरी ट्रेन बाहर निकल जाएगी ना. यस. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल, जब दोनों का हम ऐड करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि भैया नेट इतना डिस्टेंस कवर हुआ. तो टनल का लेंथ मुझे 122 पता है और मुझे ट्रेन का लेंथ x मालूम है, तो मैंने बोला 122 प्लस x कितने टाइम में कवर किया, 17 सेकंड में. तो 210 लेंथ कवर किया और ट्रेन ने खुद का x कवर किया 25 में. तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया. क्यों? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड. ठीक है, नेक्स्ट 23rd देख लो, लिख लो इसको पहले. 23rd में क्या लिखा है, x by 2 is y square, x by 4 is 4 of y, x कितना होगा. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. देखो y square की जगह क्या लिखा हुआ है, x by 2 लिखा हुआ है, x की जगह 4y लिख सकता हूँ मैं, 16y, x की जगह 16y यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप, 16y by 2 is y square, तो y square is equal to 8y आ गया. तो बच्चे यहाँ से क्या करते हैं पता है, y y खट खट काट देते हैं. ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ से पहले दो रूट निकलते हैं, क्यों, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक के दो रूट निकालने ही है, फिर एक चले नहीं चले वो तो बात की बात है, पहले दो निकालो आप. तो एक आ जाएगा y इक्वल टू जीरो और एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 8. अब y इज इक्वल टू जीरो नहीं चल सकता, क्यों, y जीरो पे क्या हो जाएगा, x भी जीरो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में मैंशनड है कि x जीरो नहीं होना चाहिए, तो पता क्या चला, y की वैल्यू 8 हो जाएगी. अब y की वैल्यू अगर 8 हो गई तो x कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा. लिख लो, 23rd में आ जाते हैं, 23rd हो गया, 24th में आते हैं अभी. चलो 24th में क्या लिखा है, x y and y minus 1 upon x are non-zero. तो जो given expression है मेरे पास, इसकी value क्या होगी? तो लिखा है x minus 1 upon y minus 1 upon x. तो क्या बन जाएगा, xy minus 1, xy minus 1 whole divide by नीचे y होगा और ऊपर x होगा. तो बस खत्म हो गया ना, x by y आ गया, सिंपल. ठीक है ना, तो आपका हमने लीनियर इक्वेशन यहाँ पे खत्म कर दिया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, विल ब्रीफ देम.